भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अंतर्वाणी को सुने बिना स्वधर्म का तप मनुष्य के जीवन में पूरा नहीं होता है। यानी आप धार्मिक हो ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा आप स्वधर्म है क्या। स्वधर्म पता चलेगा जब आप अंतर्वाणी यानी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। अंतरात्मा अपने आप कहती है आपको ये करना ये नहीं करना, ये छूना ये नहीं छूना, इधर चलना उधर नहीं चलना। बिना स्वधर्म के जिसने जीवन जिया उसने पशुओं का जीवन जिया। और स्वधर्म पता चलेगा कैसे, जब तक अंतर्वाणी अंतरात्मा की आवाज़ अंतश्चेतना आपको उपलब्ध नहीं होती है। और जिसको भीतर की आवाज़ उपलब्ध होने लगती है उसके जीवन में आनंद की रसधार पैदा होने लगती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस यात्रा में इस विराट संपदा का स्वाद पाने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है आपकी जो जीवन शैली है। आपकी जीवन शैली पूरी तरह नकारात्मक है। इस ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है हमेशा चिंता मुक्त तनाव मुक्त रहना। यही सबसे बड़ी बाधा है। तुम हमेशा चिंता से तनाव से अशांति से उपद्रव से भरे रहते हो, तुम कैसे प्राप्त कर पाओगे? और तुम्हारी चिंता अशांति तनाव का कारण क्या है? तुम जाने क्या क्या धारणाएं लेकर बैठे रहते हो अपने भीतर, ये सही है ये गलत है, ऐसा हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा हो गया वैसा नहीं होना चाहिए था। ये सब आपके धारणाओं के द्वारा निर्मित किया गया है। जो जितने दुख हैं आपकी ज़िंदगी के वह सब आपकी पाली गई धारणाओं का परिणाम है। एक आदमी इसलिए दुखी है कि उसकी शादी नहीं हो रही। मैं कहता हूँ शादी नहीं हो रही है इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। शादी नहीं हो रही है तो भी अच्छा है, डोंट बी जजमेंटल। शादी हो गई, दूसरा आदमी इसलिए दुखी है कि गुरुजी अब तो शादी हो गई, अब तो परिवार आ गया, अब तो बड़ी जिम्मेदारियाँ आ गई, अब शादी हो गई इसलिए गड़बड़ है। मेरा मानना शादी हो गई तो भी कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। शादी नहीं हुई तब भी कुछ गड़बड़ नहीं है, शादी हो गई तब भी कुछ गड़बड़ नहीं है, तलाक हो गया तब और परेशान। अरे मैं कह रहा हूँ तलाक हो गया तो भी कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं। हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छाई होती है। गड़बड़ सिर्फ एक है कि जो भी काम तुम करते हो तुम्हारी आदत पड़ गई है, जो भी काम करते हो उसमें सबसे पहले खोज लेते हो कि गड़बड़ क्या है। दी ओनली डिजीज, दी ओनली प्रॉब्लम, द ओनली डिफेक्ट, द ओनली डिसऑर्डर, द ओनली ड्रॉबैक, जो भी काम तुम करते हो उसमें खोज लेते हो गड़बड़ क्या है और उसी गड़बड़ पे फोकस करते हो। जब गड़बड़ पे फोकस करोगे तो जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो बढ़ेगा, फिर और गड़बड़ पैदा होती है, और फिर उस पे फोकस करते हो फिर और गड़बड़ हो, इसलिए सारी ज़िंदगी ही आपकी गड़बड़ हो जाती है। मैं कहता हूँ किसी चीज़ में कुछ गड़बड़ रही है, कुछ गलत नहीं है। शादी हो जाए तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, तलाक हो जाए तो अच्छा, तलाक ना हो तो अच्छा, जो कुछ है जैसा है उसमें ढूंढो तो कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा, कोई ना कोई अच्छाई मिल जाएगी, वो छिपी हुई है। तुम अच्छाई को नहीं खोजते हो, तुम गड़बड़ को खोजते हो। अच्छाई को ढूंढो, तलाक हो जाए एंजॉय, अब फुर्सत मिली सारी झंझट से, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसमें, मौज लो उसका। आप कोई टोकेगा नहीं कहाँ जा रहे हो कितने बजे लौट के आ रहे हो, देखो कितनी सारी अच्छाइयाँ भरी पड़ी हैं उसमें, खोजो तो बहुत कुछ मिल जाएगा। किसी चीज़ में कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ एक गड़बड़ आपने पाल रखी कि जो ही चीज़ करते हो उसी में गड़बड़ खोज लेते हो। और जब आप साक्षी हो तो फिर काहे की चिंता, फिर काहे की परेशानी, जब अस्तित्व कर ही रहा है तो करने दो। वो जो कर रहा है उसमें जो जो अच्छा है उसको चुन लो और उस पर फोकस करो, उसको याद करो। फोकस ऑन द फ्लावर्स इन एवरी सिचुएशन एंड यू विल फाइंड कि जिंदगी में फूलों की बाढ़ आ गई है। ये आपको राज बताता हूँ, रोज़ रोज़ जब भी मिलते हो बताता हूँ, किसी न किसी तरीके इधर उधर से ठोक ठाक के इस बिंदु पर ले आता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ से गए इलास्टिक फिर वहीं पहुँच जाती है। और चाहे सब चीज़ भूल जाना, लेकिन ये चीज़ कभी मत भूलना कि एक घंटे के लिए सारे संसार को बाहर छोड़ देना है। इतने दिन से तो 60 साल 70 साल से इस संसार में के साथ 24 घंटे लगे रहे हो, क्या मिल गया तुम्हें? अशांति तनाव उपद्रव पीड़ा नरक। थोड़ा एक घंटे छोड़ के देखो। बी विद योर सेल्फ फॉर 1 आवर।
और 23 घंटे साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करो। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि अपने नाम के आगे साक्षी जोड़ ही लो, ये शब्द साक्षी ही रूपांतरण कर देगा। ये अध्यात्म जगत का प्राण है। अध्यात्म की सबसे गहरी और सबसे ऊंची मनीषा इन दो शब्दों में साक्षी में समाही हुई। साक्षी आया दुख गया, साक्षी आया तुम्हारे भीतर तुम्हारा पूरा रसायन बदलने लगा, साक्षी तुम्हारे भीतर आया गीता कुरान बाइबल जिंदा व्यवस्था वेद पुराण उपनिषद सब तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे और तुम जिंदगी भर गीता कुरान बाइबल वेद पुराण उपनिषद का रट्टा लगाते रहो, उनका पाठ करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा रट्टू तोता बन जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकते हो, सिर्फ रट्टू तोता। और अगर चाहते हो कि तुम्हारे भीतर से वेद पुराण उपनिषद निकलें, गीता कुरान बाइबल प्रकट हो, तो सिर्फ साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करो।